हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, मजे में होंगे, अल्लाह ताला सभी को खुश रखे। तो गाइस, आप भी पता टाइम हो रहा है, 4:30 बज चुके हैं और मैं ब्लॉग जो है वो अब स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से ना क्या था कि मैं बस ये सोची अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ और बस मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। और जबकि आज घर में सभी थे फिर भी ब्लॉग नहीं बनाया और सबके बस खाना पकाना और घर के काम यही सब करती रही। सोच रही बस ये करके फिर करती हूँ ब्लॉग स्टार्ट, ये करके फिर करती हूँ। इनफैक्ट उन्होंने खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया और हस्बैंड जी ने तो अपनी नींद भी ले ली है पूरी। और उसके बाद फिर मैंने अब जाकर ब्लॉग स्टार्ट किया है। और हमारे दोनों शहजादे जो हैं आज इनकी भी छुट्टी है, तो ये दोनों भी देखिए घर पर ही हैं, ये बैठे हैं। सलाम करिए। नहीं है अभी, हमें जाना है स्कूल की छुट्टी नहीं है। वैसे तुम सुबह पढ़ के आ गए थे, फिर आप थोड़ी जाना है। मैम ने कहा है अभी एक बार और आना है। भाई झूठ कह रहा है। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं कॉल करके पता कर लूंगी। ओके अभी करूँ कॉल, हमारी मैम को ही कॉल कर लेती हूँ। तो गाइस अभी इनकी मैम को कॉल करके पता करते हैं ये सच बोल रहा है झूठ। सच बताओ, अभी दोबारा से बुलाया? वैसे दो बार नहीं बुलाएंगी, मुझे पता है कल संडे ना, तो कल छुट्टी रखेंगी और मंडे को जाना है। नहीं, मैंने कहा मंडे को नहीं आना। मैं ट्यूजडे को आऊंगी। मंडे को क्यों नहीं आना है? इधर देख कर बात करो। एक जगह और जाना है। कहाँ? अब मुझसे वो अपनी मम्मा के यहाँ जाएंगी, मुझे पता है वो मम्मा के यहाँ जाएंगी, फिर उसके बाद मंडे तक आ जाती है मैम। मंडे को आपको ट्यूशन पढ़ा देंगे, मैं मंडे को कॉल करके पता कर लूंगी। ठीक है, आप ना एक पूछोगी, मैं पूछूंगा। पूछ लो नहीं, नहीं, चलो मैं कॉल लगा लेती हूँ। मैं इसको करती हूँ बैक, आई कॉल योर करो कॉल। मुझे उनका नंबर याद है। मत करो मत करो मत करो। क्यों? एक बार कॉल करके पता कर लूं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कॉल लगा, अब तू काट क्यों रहे हो? मत करो मत करो यार, दिखाओ यार, मत करो मत करो। क्यों नहीं करो? ये पक्का मुझे पता है ना, तुम झूठ बोल रही थी ना। सांस से देखो, सांस से देखो, सांस से कितनी बड़ी बड़ी ले रहा है। क्योंकि मैम मार लगाएंगी, कहेंगे अच्छा बैग चाहिए, ले जाओ अपना बैग ले जाओ। तो गाइस जा रहे हैं ये अपने टेनिस जिम जा रहे हो, मुझे लगा जिम टेनिस का बैग लेके जा रहे हैं। मैं समझी ये बैग ले रहे हैं ये वाला, तो मुझे लगा टेनिस जा रहे हो, जिम जा रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता इसको, बस मम्मा का नहीं हो सकता बेटा। मम्मा ने क्या कर दिया, मुझे तो लगा बैग मांगो तो यही वाला बैग ले रहा है टेनिस का। पापा बेटे कैमरा और छूट गया था, पापा बेटे एक हो जाते हैं। चलो फिलहाल मैं करती हूँ क्या, अभी देखते हैं। मैंने कपड़े धोकर डाले तो छत पे चलते हैं, पहले कपड़े उठा कर लाते हैं, उसके बाद में देखते हैं बाकी काम। और देखिए हमारे कपड़े उड़ गए, हमने कपड़े धोकर डाले, बेचारा बच्चा मेरा कपड़े उठाता फिर रहा है। लाओ उठा के ले आओ। हाँ, इनकी ड्रेस भी मैंने धोई थी, प्लेन जा रहा है। छत पर इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी अच्छी हवा आ रही थी ना, उनका बहुत देर, हम लोगों ने बहुत देर टाइम स्पेंड किया छत पर। और ये देखें, इन्हें ज़बरदस्ती नीचे उतार के लेकर आई हूँ मैं छत से, दोनों को आने को तैयार नहीं दिया। नहीं मम्मा अभी थोड़ी देर और, मम्मा थोड़ी देर और। मैंने कहा अब नीचे चलो, इससे पहले कि मैं अंदर जाऊँगी दरवाज़ा बंद कर लूँगी। तो दोनों भाग कर आए फिर। मम्मा अभी हम इस चला के बैठते हैं? अभी नहीं, अभी जो बॉडी को इतनी अच्छी फ्रेश फ्रेश हवा मिली है, क्या फ़ायदा? किसने क्रिएट की थी? किसने? मैंने, बस यही तो है परमात्मा जो हवा चलाते हैं। तो फिर नहीं, अभी अभी देखो इतनी अच्छी फ्रेश हवा लेकर आई है ना छत से मम्मा। तो फिर पापा के आने तक हम लोग आ जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, पापा आएंगे जब देख ली जाएगी। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ चाय। तो अभी मैं ना पहले पता क्या करती हूँ, मैं पत्ती डालती हूँ, चीनी पानी में डाल के पकाती हूँ, और जब देखती हूँ पानी अच्छे से पक गया फिर डालती हूँ दूध। तो अभी डालूंगी मैं इसमें दूध। यस, अब होगी हमारी चाय रेडी। और आज हमारे यहाँ आए हुए हैं अमरूद। ये अमरूद पता है पेड़ के टूटे हुए डाल डाल के टूटे हुए पेड़ के ताज़े ताज़े। सुबह हस्बैंड जी गए थे ना टेनिस, तो वहाँ पर लगे हुए थे पेड़ पे, तो वो लेकर आए हैं ये, मतलब पेड़ के पके पके अमरूद हैं ये, अच्छे हैं। लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, अभी पहले चाय पीऊँगी, बाद में खाऊँगी अमरूद। कुटी तेरी छीट की दुपट्टा तेरा लहरिया,
हिंदुस्तानी राजा के तो बन के राजा गोरिया। चलिए कप भी निकाल लेते हैं, ये वाली लेते हैं, आज कप दूसरे लूंगी, कप भी चेंज कर करके ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये रेडी हो रही है हमारी चाय और कप मैंने निकाल लिए हैं, ये चाय छन्नी और इसमें है फैन, ये देखिए है ना, इसके अंदर फैन है। तो अब हम चाय पियेंगे फैन के साथ में, ज़्यादा नहीं एक एक फैन ले लेंगे बहुत है। आ जाइए फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं, बच्चों को दी उसके बाद भी देखिए मेरे लिए इतनी ज़्यादा बच जाती है, मैं कम बनाती हूँ पता नहीं क्यों, हर चीज़ मुझसे ज़्यादा होती है, चाय हो चाहे खाना हो दाल हो पता नहीं, मतलब हर एक चीज़ में ज़्यादा ज़्यादा ही कुछ आता है। मम्मा खाना भी आपकी इज्जत कर रहा है। तो बेटा खाने की इज्जत हमें करनी चाहिए, फिलहाल मैं और मेरी चाय इंजॉय करते हैं। चलाओ मुझे दो, मैं खेलती हूँ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें कैसे शॉट मारते हैं। दो मम्मा पता चला टांग में लग गया ना। नहीं लगेगा, उंगली हो जाएगी सीधी। ऐसे कैसे हो जाएगी, तुम्हारे नहीं लगाई जल्दी करो मम्मा के 10 स्कोर। रेयर कौन अगर दो बार मारोगे तो 10 स्कोर। ऐसे मारते हैं, देखो तो बॉल को देखो इधर। 1100 स्कोर। रेडी? हाँ रेडी। ये कहाँ जा रही है बॉल, ये कहाँ जा रही है? फ्रेंड्स मम्मा लूजर, मम्मा लूजर नहीं है, इसको बॉल मारनी नहीं आ रही भाई, उधर खड़े हो जाओ। बच्चे बस करो, पानी नहीं, तो घड़ी बांध कर पानी में हाथ धो रहा है। अरे बस करो रैयान, मेरे स्मार्टवॉच खराब हो जाएगी। तुमने दिन देखी नहीं, देखो उस पर पानी की छींटे आ भी गई। हाँ उन्होंने पानी में उसमें हाथ धो रहे हैं घड़ी पहन कर, नीचे पूरा। ये गलत बात है रैयान, ऐसे नहीं करते हैं भाई इसे। अब मुझे मेरी घड़ी दे दो, दिखाओ। बहुत हो गया, कल से ले देखो पानी कर दिया ना, उतार के जल्दी साफ करो भाई को, तो नहीं तो टॉवल से तुम खुद साफ करो। बताओ बहुत दिनों से ले रहे हम, तो मुझे बताओ पराठे के साथ सब्जी लोगे? दिखाना, ये तो आटा है, ये छोड़ो मैं बनाने जा रही हूँ, जल्दी बताओ सब्जी। हाँ फिर दही, दही से खाओगे भाई, इसीलिए हमारे ना सब्जी में एक बार से दो बार हमारे चलती चलती है, क्योंकि ये लोग सब्जी कम खाते हैं, सिर्फ मैं खाऊँ हस्बैंड जी खाएं, बाकी के बच्चे तो कभी दही से खाते हैं। हाँ जी पहले नहीं, अब सुबह बनाएंगे, अभी नहीं। पैर भी करवा दी। हाँ ठीक है रख दो, अब नहीं जाना पानी में पहन कर। तो चलिए फ्रेंड्स अभी बना लेते हैं पराठा और इनको देखते हैं दही के साथ में। ये लोग कभी दही से खाते हैं और तो कभी लौंजी से खा लेते हैं, लेकिन सब्जी से नहीं खाते हैं। और हाँ मुझे अभी याद है, एक बार मैंने कमेंट्स पढ़ा था, अभी बैठी मैं पढ़ रही थी दोपहर में, तो उसमें मैंने देखा था कि मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि ये लौंजी क्या होता है, मैंने मतलब पहली बार नाम सुना है लौंजी का। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि लौंजी ना आम की, हमजा मत करो ये, तो लौंजी ना आम का जो कहते हैं ना खट्टा मीठा छुंदा भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में बोला जाता है इसको लौंजी, क्योंकि आम की बनाते हैं खट्टी मीठी सी और थोड़ा बहुत उसमें स्पाइसेस पड़ जाते हैं, तो उसको हमारे यहाँ लौंजी बोलते हैं। तो ये वही है, एक तरह से इसको बोल सकते हैं आम की खट्टी मीठी चटनी टाइप, लेकिन हम इसको पीस के नहीं बनाते हैं, बहुत से लोग कद्दूकस करके बनाते हैं, मैं इसके ऐसे पीसेस में कर देते हैं हम लोग लंबे लंबे स्लाइस, बस उस तरह से करके बना लेते हैं, तो वही है लौंजी, तो बच्चे ज़्यादातर उससे खा लेते हैं। जो बहुत दिनों बाद जो सीटी लाए थे वो इतने दिनों बाद मुझे मिली है, वो कहाँ ढूंढा इसे, कहाँ ढूंढा, किसको? इस सीटी को और बस को? बजाना नहीं, इसको बजा, नहीं नहीं बजाते हो हम, तो इतने दिनों से मिली नहीं थी, आज मिली है, बताओ बजाने का मन कर रहा है, इतने दिनों से बजाए। जी फ्रेंड्स पराठे बनाकर हम लोगों ने डिनर कर लिया था और उसके बाद आगे का जो ब्लॉग है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बस अभी की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करूँगी आप लोग इसको लाइक करके ही जाएंगे, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।